Hello guys, welcome back to another lesson on my channel. I know it's been a long time since I recorded lesson on my channel. Due to the technical concern as well as health concern, I wasn't able to update my lesson. But from today onwards, I'll try to record as much as lesson as I can. तो चलिए शुरू करते हैं. पार्ट नंबर 32 है. यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज प्रीवियस प्लेलिस्ट जरूर ट्राई कीजिएगा, चाहे वो एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 सेकंड पार्ट की हो या वर्ल्ड हिस्ट्री की हो, या आप इसके अलावा प्रीलिम्स की जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं वो भी आप देख सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेशनल हैंडलूम डे इनमें से किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है. ऑन विच डे नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 7th ऑफ अगस्त. 7th ऑफ अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है हमारे भारत में. यदि बात की जाए दूसरे ऑप्शन की तो 22nd मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वाटर कंजर्वेशन डे, ओके वाटर डे. और अगर 22nd अप्रैल की बात की जाए तो वो है अर्थ डे. 16 सितंबर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये है हमारा ओजोन डे, मींस वर्ल्ड ओजोन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो है 16th ऑफ सितंबर. अब बात मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 में भारत की क्या रैंक रही. व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 57. इंडिया की रैंक जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 में रही वो है 57. अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की तो 8th जो रैंक रही है वो इंडिया की अभी हाल ही में जो इंडोनेशिया में जो एशियन गेम्स हुए हैं उसमें मेडल टेली में इंडिया की रैंक है 8th. क्योंकि इंडिया ने टोटल जो मेडल जीते हैं वो जीते हैं 69, जिनमें से 15 गोल्ड मेडल्स हैं. ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि इंडिया ने जो अभी हाल ही में 2018 के इंडोनेशिया मीन्स जकार्ता और पालमबेक में जो एशियन गेम्स हुए तो उसमें मेडल टेली के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग 8th है और इंडिया ने टोटल मेडल जीते 69. ओके, अगर बात की जाए तीसरे ऑप्शन की जो है ऑप्शन सी, दैट इज 81, तो 81 जो रैंक है वो है ग्लोबल करप्शन परसेप्शन की जो 2017 की है. ग्लोबल करप्शन परसेप्शन की जो रैंकिंग है वो है 81 भारत की 2017 में. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर 136 की बात की जाए तो 136 जो रैंक है वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स. ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है 2018 की वो है 136. तो ये सारे इंडेक्सेस याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए. अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य के हाई कोर्ट ने एलिफेंट्स का कॉमर्शियल यूज पर बैन लगा दिया. मींस हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट रिसेंटली बैंड द कॉमर्शियल यूज ऑफ एलिफेंट्स. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. तो उत्तराखंड जो स्टेट है उसने हाल ही में अभी कॉमर्शियल यूज जो एलिफेंट्स का होता था उस पर बैन लगा दिया है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है. उत्तराखंड की अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो है नैनीताल में. ओके, ये भी आप याद रखिएगा. लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस सिटी में नाबार्ड ने साउथ ईस्ट एशिया का पहला सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज ओपन किया है. इन विच सिटी नाबार्ड लॉन्च्ड द साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट एवर सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज. तो नाबार्ड की अगर बात की जाए तो उन्होंने लखनऊ में पहला सेंटर ओपन किया है फॉर क्लाइमेट चेंज. ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है. अगर नाबार्ड की बात की जाए तो नाबार्ड का आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो कि स्टैटिक हैं. पहली बात तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ओके, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड. अब नाबार्ड की आपसे स्थापना दिवस पूछी जा सकती है कि नाबार्ड फाउंडेड व्हेन. तो नाबार्ड जो स्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था 12th ऑफ जुलाई 1982 को. ओके, 12th ऑफ जुलाई 1982 इज द फाउंडेशन डे फॉर नाबार्ड. अगर बात की जाए हेडक्वार्टर की तो हेडक्वार्टर नाबार्ड का है मुंबई में. और करंट टाइम अगर चेयरमैन पूछा जाए मींस अभी वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, तो वो है मिस्टर हर्ष कुमार भानवाल. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं जो आपको याद रखने हैं. लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा विकास पर्व जो एमपी में सेलिब्रेट किया गया है वो किस डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया गया है. ऊर्जा विकास पर्व ये काफी इंपॉर्टेंट है. ऊर्जा विकास पर्व जो सेलिब्रेट किया गया है वो किया गया है ऑप्शन डी, दैट इज रतलाम डिस्ट्रिक्ट. अब हम मैप देख लेते हैं, मैप में रतलाम कहाँ पे. तो आप ये देख सकते हैं वेस्टर्न पॉइंट में, आप यहाँ देख सकते हैं रतलाम, यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है ऊर्जा विकास पर्व. अब ऊर्जा विकास पर्व की डेट भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि कब सेलिब्रेट किया गया. तो ये सेलिब्रेट किया गया था 11th ऑफ जुलाई को. ओके, 11th ऑफ जुलाई को ऊर्जा विकास पर्व सेलिब्रेट किया गया था रतलाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिसिटी कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इनमें से कौन सी ऐप लॉन्च की है. टू रजिस्टर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लेंट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन कॉल्ड.
तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है उपाय। याद रखिएगा, UPAY, उपाय। अब ये जो है ये क्या करती है कि जो बिजली का फॉल्ट होता है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंप्लेंट जो आती है किसी भी एक रीजन में, तो वो टोल फ्री नंबर के अलावा इस ऐप के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं ताकि उसका रेक्टिफिकेशन जल्द से जल्द किया जा सके। तो ये था मेरा वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आया हो। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके सपोर्ट के कारण ही ये दोबारा पॉसिबल हो पाया है कि मैं दोबारा चैनल स्टैब्लिश कर पाया हूँ। और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाते रहिएगा, और यदि आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा यदि आप कुछ और लेसन चाहते हैं कि मैं कुछ और लेसन बनाऊँ। और इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि टेलीग्राम चैनल अभी तक एक्टिव नहीं था बट अब मैं उसको एक्टिव कर रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/AdityaDubey MPPSC। इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक की लिंक है facebook.com/AdityaDubey MPPSC। सो दैट्स इट फॉर नाउ, आई होप यू आर डूइंग वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, गुड लक।